दोस्तों, आज सुबह सफाई करते हुए मुझे एक पुरानी डायरी हाथ लगी। उसमें एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है उन लोगों के लिए जिनके घर बेटियां ही बेटियां हैं या जिनके घर बेटे ही बेटे हैं। आप मन चाहे तरीके से यदि आपके यहाँ बेटियां हैं तो बेटा पा सकते हैं और बेटे हैं तो बेटी पा सकते हैं। करना आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ बात को समझना है। सिर्फ दिनों में आपको अंतर समझना है कि किस दिन साथ आने से बेटा होता है और किस दिन साथ आने से बेटी होती है। इसके लिए दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान दें, जिस दिन भी आपका महीना शुरू होता है, माहवारी शुरू होती है, वह पहला दिन कम से कम 5 दिनों तक यह पीरियड के दिन चलते हैं महिलाओं में। 6वें दिन यदि आप साथ आते हैं तो आपको बेटा होगा, मीन्स समडे। 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, इस तरीके से यदि आप साथ आते हैं तो 99% आपको बेटा होने के चांसेस रहते हैं। यदि मान लीजिए आप पीरियड जैसे 5 दिनों बाद ख़त्म हो गया, 6वां दिन छोड़ दिया, 7वें दिन यदि साथ आते हैं यानी विषम दिन में साथ आते हैं तो आपको 99% तक बेटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज भी हमारे देश में जिन घरों में ज़्यादा बेटियाँ होती है वहाँ बेटों की आस लगाए लोग बैठे हैं, और जहाँ पर बेटे ही बेटे हैं वहाँ पर बेटी की आस लगाए बैठे रहते हैं। दोस्तों, यह ट्रिक यह तरीका आजमाया गया है, कम से कम 4 लोगों को मैंने बताया था, 2 लोगों में यह सक्सेस हो चुका है, 3रे बंदे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और 4थे बंदे का क्या हुआ वह भी मुझे पता नहीं है। तो 2 लोगों में सक्सेस हुई है। देखिए, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कोशिश करना है। तो कुछ नहीं करने से अच्छा सिर्फ दिनों में ही तो है, दिन का ही तो खेल है। तो आप ज़रूर इस ट्रिक को आजमा सकते हैं और आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए आप पा सकते हैं। और यदि सक्सेस हो जाते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो फिर से मेरे चैनल पर आकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा मुझे, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे देश में जिन घरों में ज़्यादा बेटियाँ होती है ऐसे जगह उनके परिवार के लोग उस महिला को टॉर्चर करते हैं कि इसको बेटियाँ ही बेटियाँ होती है। कई पर बेटे ही बेटे होते हैं, वहाँ पर भी बोला जाता है कि काश एक बेटी होती। तो इस तरीके की समस्या सभी परिवारों में रहती है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से प्लीज शेयर ज़रूर कर दीजिए। भगवान करे आप सभी की इच्छाएँ पूरी हो। और हेल्थ संबंधी टिप्स उपाय के लिए आप इस चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।